हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिग बॉस सीजन 17 में तीसरे हफ्ते का हो रहा है नॉमिनेशन टास्क और इस नॉमिनेशन टास्क में ना आप कहीं ना कहीं घर वाले आपस में ही एक दूसरे को बुरे तरीके से फंसाते नजर आए हैं। जी हां, मैं आपको बताना चाहती हूं, बिग बॉस ने ये कहा है कि जो भी एक दूसरे को नॉमिनेट करेगा वो उसे मकड़ी के जाल में धकेल देगा। अब ऐसे में ईशा मालविया ने निकाली है अभिषेक पर भड़ास। बता दूं आपको, ईशा मालविया अभिषेक को नॉमिनेट करती है और कहीं ना कहीं उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाती है और कहती नजर आती है कि मुझे समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ है या फिर नहीं, क्योंकि इनका जो बिहेवियर है वो कभी इतना ज़्यादा बदल जाता है कि मैं उस पर ट्रस्ट तक नहीं कर पाती हूँ। इतना ही नहीं, घर के अंदर पूरी तरीके से अब बवाल मचा हुआ है, जहाँ समर्थ, ईशा और अभिषेक के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया है। तो वही समर्थ जो है वो अभिषेक के साथ हाथापाई भी कर चुका है। अभिषेक भी बार 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 जो ईशा मालविया है उसे रियलाइजेशन करवाना चाहता है कि उसने आखिरकार 3 महीने या फिर 2 महीने में ही क्यों मूव ऑन और कैसे मूव ऑन कर लिया। तो ऐसे में भी जो अभिषेक है और जो समर्थ है दोनों के बीच में बड़ा झगड़ा हो जाता है, काफ़ी लड़ाई हो जाती है और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ती हुई नज़र आती हैं। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि जो चीज़ें हैं अब वो घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ईशा मालविया है वो अपने अब समर्थ को लेकर स्टैंड लेने लगी है। वही अब वो नॉमिनेशन टास्क में भी अभिषेक के खिलाफ खड़ी नज़र आ रही है और वो काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस भी उस पर लगा रही है और उसे कई सारे ट्रस्ट इश्यूज भी अब अभिषेक को लेकर हो गए हैं। तो वही रिपोर्ट्स की माने तो अभी तक 3 नाम सामने आ रहे हैं जो कि नॉमिनेट हुए हैं। एक है उसमें से अभिषेक, एक माना जा रहा है ऐश्वर्या और विकी जैन का। बहरहाल आपको कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए गॉसिप टाउन।